पहले तो शादी के लिए मान ही नहीं रहे थे और अब देखो सारे शौक पूरे करवा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे लव मैरिज हो रही है। आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन ली ना ये बात, नया मसला क्रिएट हो जाएगा। अपनी फूटी तकदीर हूं मैं, तकदीर। भाई 2 दिन बाद हमारा इवेंट है, आप इस तरह लास्ट मोमेंट कैंसिलेशन कैसे कर सकते हैं? हाँ तो मैं कहां से अरेंज करूंगा किसी और को, आप ही भेजें ना नंबर किसी का। जी मैं वेट कर रहा हूं, आप नंबर भेजें। कमाल बात है, लास्ट मोमेंट पे आपने कैंसिल। हेलो, क्या हुआ, किससे बात कर रहे हो और परेशान क्यों हो? यार वो जिस इवेंट प्लानर ने भाई का रूम सेट करना था ना, लास्ट मोमेंट पे उसने कैंसिलेशन कर दी। अब पता नहीं कैसे अरेंज होगा ये। ओह, ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। लिटरली 2 दिन रह गए इवेंट में यार, मैं कैसे मैनेज करूंगा सब, मुझे अपने काम नहीं है। तुम परेशान मत हो, समझो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। क्या मतलब? मतलब ये कि एक इवेंट प्लानर है मेरे जानने वाला, उससे मेरी कजन की शादी में सारी डेकोरेशन की थी और बहुत तारीफ हुई थी उसकी, बहुत अच्छा काम करता है वो। पक्की बात है? हाँ हाँ पक्की बात है, तुम बाकी सारे मामला देख लो, ये मुझ पे छोड़। लेकिन भाई ने अजीब सी शर्तें रखी हुई हैं कि जी फूल सारे फ्रेश होने चाहिए और ब्ला ब्ला, देख लेगा वो। पहले तो शादी के लिए मान ही नहीं रहे थे और अब देखो सारे शौक पूरे करवा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे लव मैरिज हो रही है। आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन ली ना ये बात, नया मसला क्रिएट हो जाएगा। मजाक कर रही हूँ, मुझसे बेहतर कौन समझता इन बातों को। अच्छा आप छोड़ दो पुरानी बातों को और जो तुमने कहा है ना वो कर देना। वैसे सच कड़वा होता है ना नबील, है ना? तुम्हारा कोई हाल नहीं। वैसे तुम कोई मौका नहीं छोड़ती हो अम्मी को गलत साबित करने। तो मुझे मौका दिया ही ना करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।